ऐसी मिठाई जो खाने में सुपर टेस्टी हो, बनाना आसान हो, बहुत कम खर्च में बहुत ही झटपट से बन जाए। हमारे दिमाग में बस यही ख्याल आता है। तो चलिए आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही आसानी से बन जाने वाला है और बहुत ही कम खर्च में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए बनाएंगे चाशनी, 1 कप यहाँ पर, और ये 1/2 कप, 1.5 कप शुगर, और इसमें ऐड करेंगे 3 कप पानी। तो इसका हमें बहुत ही मतलब तार वाला चाशनी नहीं बनाना, सिर्फ चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। तो इसे छोड़ देते हैं हम मेल्ट होने के लिए। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.25 लीटर दूध का छेना, पनीर नहीं है, छेना है। इसे फाड़ कर हमें कपड़े में बांध कर लटका कर छोड़ देना है। तो मैंने इसे लटका कर छोड़ा था, आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट है। तो वेट में कहिए तो 250 ग्राम है, और मैंने गाय का दूध लिया था फुल फैट। तो इसे पहले मैंने फोड़ लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे चम्मच से 1.5 चम्मच मैदा, आप इसकी जगह पर कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हो, 1 चम्मच बारीक वाली सूजी, 2 चुटकी ऐड करेंगे बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, और ऐड कर देना है 1 चम्मच घी। इन सभी चीज़ों को पहले हम ऊपर ही ऊपर एक साथ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे छेना के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए, मसलते हुए इसका डो रेडी कर लेंगे। तो इसे हमें 5 मिनट तक अच्छी तरह से मसल लेना है। और आप देखिए कितना बढ़िया सा ये डो बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट सा। तो इसे क्या करना है, हाथों में लेना है और राउंड राउंड घुमाना है। आप जितना बड़ा या छोटा मिठाई बनाना चाहते हो उस अनुसार से आपको इसकी लोई ले लेनी है। और आप देखिए इसे प्रेस करते ही एक चारों तरफ से कैसे फट गया, बिल्कुल फ्लावर की तरह इसमें डिज़ाइन आ गए। और बीच में इसे हल्का सा गड्ढा कर देना है और कट कर लेना है। तो बस इसी तरह से हमें सारी मिठाई को बना लेना है। तो ये किस लिए फटता है, इसमें जब हम मीठा सोडा ऐड करते हैं ना उसकी वजह से ये छेना फटता है इस तरह से। तो इसी तरह से इसे हमें रेडी कर लिया। और यहाँ पर मैंने घी लिया है तलने के लिए, तो घी को मीडियम हॉट रखना है। और मीडियम हॉट घी में ही इसे उलट पुलट कर अच्छी तरह से, ज़्यादातर आप फ्लेम को लो ही रखिएगा, बिल्कुल लाल लाल कर कर तलना है। तो यहाँ पर मैं घी यूज कर रही हूँ, आप इसकी जगह पर रिफाइंड भी यूज कर सकते हो। तो देखिए पहले इसे टच नहीं करना, डालने के बाद हम थोड़ा सा कढ़ाई को हिला डुला कर ऊपर घी को आने देंगे जिससे कि ऊपर से भी ये पके। और थोड़ी देर के बाद हमें इसे पलट लेना है। तो इसे उलटते पलटते ही हमें अच्छी तरह से सेक लेना है जिससे कि इसमें कच्चापन न रहे और ये बहुत अच्छी तरह से सिक जाए और इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। तो अभी ये हल्का हल्का सा नीचे से हुआ है, अब आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छी तरह से सिक चुका है। तो अभी मैं इसे क्या करूँगी, 10 सेकेंड तक इसे ऐसे ही चलाते हुए और भी अच्छी तरह से सेक लूँगी जिससे कि चारों तरफ से ये सिक जाए। तो फ्लेम को ज़्यादातर लो ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम मत रखिएगा। तो यहाँ पर एक बैच तो हो गया है रेडी, और चाशनी को भी हम देख लेते हैं। तो आप देखिए बिल्कुल चिपचिपी सी हमें चाशनी बनानी है, बहुत तार वार कुछ नहीं बनाना। तो फटाफट से हम चाशनी में इसे ऐड करेंगे। और मैं इलायची पाउडर डालना भूल गई थी, तो मैंने अभी 1/4 चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर दिया और मिक्स कर दिया। आप इसके जगह पर 2 इलायची को कूट कर भी इसमें चाशनी बनते वक्त डाल सकते हो। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। और इसी तरह से मैंने सबको बना लिया, अभी से 15 मिनट हुए हैं और आप देखिए कितना बढ़िया ये फूल चुका है। तो मैं अभी आपको सर्व कर कर दिखला देती हूँ। अगर आपके पास समय है ना तो आप इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा जूसी और बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट सा ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे बाहर जाना है। अगर मैं मिठाई को छोड़कर चली गई ना तो शाम तक मुझे एक भी मिठाई देखने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैंने फटाफट से इसे कर दिया सर्व, और थोड़े से नारियल के बुरादे से इसे कर दिया है गार्निश जिससे देखने में प्यारा लगे। और आप इस मिठाई को देख सकते हो कितना प्यारा। तो मैं आपको दिखला देती हूँ कि 15 मिनट में ही इसमें कितना बढ़िया जूस पी लिया है, आप देखिए कितना बेहतरीन इसमें से जूस टपक रहा है। अगर आप इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दोगे ना तो और भी सॉफ्ट और भी बढ़िया बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत ही आसानी से बनने वाली इस मिठाई को भी आप फेस्टिवल्स में बना सकते हो, जैसे कि रक्षाबंधन आने वाला है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। अगर रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।